हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वॉचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। हम देखने वाले हैं जनाब, हम बांग्लादेश की डिफरेंट सिटीज़ को कवर कर रहे हैं, और वो इसलिए कि एक तो हमारा हिस्टोरिकल कनेक्शन है, आल दो कि हमारी तरफ से बड़ी ज़्यादतियाँ हुई थी, हमारी तरफ से मैंने नहीं की, पिछलों ने, ठीक है, आप कह सकते हैं पुराने पाकिस्तानियों ने। तो वेल, हिस्ट्री है, उसे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पास्ट में चीज़ है उसे पास्ट में ही रहने देते हैं। हम डिफरेंट सिटीज़ कवर कर रहे हैं। हमने पहले ढाका को देखा, फिर हमने, हमें रिक्वेस्ट आई चिटागोंग की, हमने चिटागोंग को कवर किया। बड़ी बड़ी खूबसूरत सिटी थी, और ख़ास तौर पे जो उसका वो हाईवे था, जो कि बिल्कुल कोस्ट के साथ साथ जा रहा था, क्या मज़ेदार हाईवे था वो। फिर हमें रिक्वेस्ट आई है जनाब सिलहेट सिटी की। सिलहेट, शायद मैं प्रोनंसिएशन सही कर रहा हूँ, आई होप। तो जनाब देखते हैं, वेल हमें जो वीडियो मिला है उसका टाइटल आधा बंगाली में और आधा जो है वो इंग्लिश में है। तो मुझे बंगाली पढ़ने तो नहीं आती, तो इसलिए हम जो है ना इंग्लिश वाला ही बोल देते हैं कि सिलहेट सिटी एरियल व्यू इन 4K। तो आइए देखते हैं। बाकी आज एक स्पेशल वीडियो भी मैंने अपलोड की है, अब उसको भी ज़रूर देखिएगा। आई होप देखने के बाद आप बताइएगा आप उस बारे में क्या सोचते हैं। मैंने कर दिया अपलोड, ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं जनाब, अपलिफ्ट बांग्लादेश चैनल है, वहाँ से ये वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। शुरू करते हैं। 3, 2, 1 नेम। क्या बात है, क्या शॉट, ओपनिंग शॉट ही कमाल का भाई। ये पीछे नीचे बिल्डिंग देख रहे हो, बिल्कुल कर्व में ऐसे। अच्छा, अर्बन सिटी है, लेकिन देखो ग्रीनरी नज़र आ रही है, ग्रीन पैचेस हैं जगह जगह, सबसे अच्छी बात है। कराची वालों, मैं यही शिकवा रखता हूँ यार, आपने कंक्रीट का सिटी बना दी है, ज़रा सीखो इनसे। ओ स्टेडियम है भाई बीचों बीच। अच्छा, मेरे ख्याल में पर स्क्वायर किलोमीटर बहुत ज़्यादा आबादी है, क्योंकि बिल्डिंग से बिल्डिंग से ग्रीनरी भी है, लेकिन बिल्डिंग है, हाई राइज बहुत ज़्यादा है। रेलवे सिस्टम, रेलवे स्टेशन भी देखने को मिल रहा है भाई। पटरी पे घास उगी हुई है, क्या क्या घर है भाई, घर है, बंगलो है, इसका भी है, बहुत अच्छा है, मल्टीपल स्टोरीज हैं, लेकिन नाइस नाइस स्ट्रक्चर। अब ये नहीं पता प्राइवेट प्रॉपर्टी थी कि नहीं, लेकिन अच्छा था। दूर कुछ मीनार जैसा कुछ नजर आ रहा है, क्या है वो? अगर ये वहां तक जाते हैं तो क्या ही बात है। वेल, अगर देखा जाए ना, बांग्लादेश एक्चुअली वो चीज है जो मेरे ख्याल में वो 1940 में जो पास की गई थी, क्योंकि यहाँ पे तमाम मजाहब को आजादी है, इस्लाम भी है, सनातन भी है, अनलाइक देयर। स्टेडियम मेरे ख्याल में वो पहले नहीं, वो दूसरा था, उसके आसपास बिल्डिंग थी, इसके आसपास ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा। सारे स्टेडियम थे क्या इस सिटी में? कह रहे होंगे, बोली जा रहे हैं। ओके, ये मेरे ख्याल में कोई नहर है शहर के बीचों बीच, जैसे लाहौर में भी है, मुल्तान में भी है। ओ नाइट व्यू, क्या बात है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रोड्स डबल लेन में है जनाब। यार कैसा है? सेम ही लगता है ना, देखो जितना भी ये सब कॉन्टिनेंट है एक जैसे दिखने में लोग हैं, लेकिन मेंटालिटी का फर्क है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म है, वहाँ पे प्रोग्रेसिव माहौल है। ये मेरे ख्याल में तो बिल्डिंग बन रही है, काफ़ी स्टोरेज थी इसकी। अच्छा क्या है ये, मतलब IT का हब है, इंडस्ट्रीज हैं, क्या है? बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स अच्छी अच्छी भी हैं। कोई ब्रिज है जिसका नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया, स्टील का ब्रिज लग रहा है। सिटीज मेरे ख्याल में दरिया की वजह से दो हिस्सों में डिवाइड है। और ये कोई जामा मस्जिद है क्या, मीनार जिसका नज़र आ रहा था, या शायद नहीं, मस्जिद तो नहीं लग रही, क्योंकि सड़क के बीचों बीच था मीनार।
कौन सी वैसे नदी है कोई बता सकता है? काफी मतलब दूर तक है लेकिन पानी इतना ज्यादा नहीं है। मैम मैम मैं रुका हूँ। दूर दूर तक बिल्डिंग्स, ग्रीनरी, हाई राइज स्ट्रक्चर्स। ये क्या था बीच में? वो छोटे छोटे घर थे एक जगह। म्यूजिक भी अच्छा है और ये 360 व्यू था। ये वही घर है ना जो हमने देखा था। अच्छा ये लाइट ब्लू लोगों ने कलर किया हुआ है ये, या कैमरे की वजह से नजर आ रहा है? मुझे लगता है हमने एक चिटागोंग में भी देखा था, लाइट ब्लू शेड बहुत है, मतलब लोग ज्यादा करते हैं वहां पे लाइट ब्लू। ये क्या है भाई, यूनिवर्सिटी टाइप लग रहा है कुछ, जिस तरह से बने हुए कॉरिडोर्स यूनिवर्सिटी ही लग रही है, या शायद कुछ और भी हो सकता है, लाजमी थोड़ी यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर। वैसे दो दो स्टेडियम्स, क्या बात है, क्या बात। अच्छा वीडियो है यार, एरियल शॉट्स ने बहुत अच्छे लिए। ओके, असल में ना नाइट डे नाइट तो हो रहे हैं, स्वैप्स हो रहे हैं। अच्छा एक चीज मैंने नोट की है, जो हाँ मैं इतनी देर से सोच रहा था, मोबाइल सेलफोन्स के टावर नहीं नजर आ रहे यार, क्या वजह? लोग क्या हाई रेस बिल्डिंग्स के ऊपर ही लगाते हैं? क्योंकि मुझे बड़े बड़े टावर नजर नहीं आए, जैसे यहाँ गली गली में लगे हुए हैं पाकिस्तान में। ये वही है। ओके, अब शॉर्ट्स रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो ये था जनाब सिलहेट सिटी, क्या बात है। अब मुझे नहीं पता ये ड्रोन शॉट है या फिर ये इन्होंने कलर्स जो हैं वो इन्वर्ट किए हुए हैं या फिर कोई एडिट में आया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर से लग रहे हैं। लोगों ने स्काई ब्लू कलर में ना बहुत ज़्यादा आउटर पेंट किया हुआ है। एनवायरमेंटल हो सकता है, वेदर शील्ड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़ी प्यारी सिटी है जनाब। कोकोनट के दरख्त जगह जगह लगे हुए थे और जगह जगह ग्रीनरी थी, हाई राइज बिल्डिंग्स थी, बहुत ज़्यादा कंजेशन थी, यानी जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और करीब करीब थी, जो कि साफ जाहिर करती है जी लोग ज़्यादा हैं, आबादी ज़्यादा है, एरिया कम है, लेकिन बहुत ही डेवलप्ड थी। और जो मुझे चीज़ जो हुई, जो बार बार क्लिक कर रही थी, वो ये कि मैंने सेलफोन टावर्स नहीं दिखे इस पूरे क्लिप में, और इलेक्ट्रिकल टावर्स भी नहीं दिखे, बिजली वाले खंभे जो होते हैं वो भी नहीं दिखे। तो इट मीन के क्या स्मार्ट सिटी है, अंडरग्राउंड है सारा सिस्टम ये वाला? ये तो कोई अब हमें कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं, लेकिन आई मस्ट से यार देखो बहुत अच्छा सिटी है, बहुत खूबसूरत सिटी है, और इंजॉय कर रहे थे हम पूरा पूरा। वो तो आपने हमारी चबड़ चबड़ दुमान चल रही थी उससे समझ ही लिया होगा, लेकिन बड़ा अच्छा लगा जी हमें देख के, और साफ़ सुथरा शहर लग रहा था बिल्कुल, क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा थी, ओवरऑल हमें मज़ा आया। मैं अभी स्क्रीन की तरफ ही देख रहा था, आप कह रहे होंगे उधर क्या देख रहा हूँ, स्क्रीन ही देख रहा था, मतलब अच्छा अच्छा वीडियो था, मज़ा आ गया यार देख के, माइंड रिफ्रेश सा हो गया। चलो एक एक हाँ एक बात मैं करना चाहूँगा जी, एक बांग्लादेशी थे, उन्होंने उर्दू में जो है ना लिखा हुआ था कि जनाब तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, काफ़ी मतलब वो भरे हुए थे, और कि मैं तुमसे इसलिए अलग हुआ कि बड़ा जुल्म, मुझे पता है सर जुल्म हुए, मुझे पता है कि शेख मुजीब जो थे वो जीते हुए थे और उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने से रोका गया था, मुझे ये भी पता है पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ जाके क्या किया था, जो मैस मर्डर्स हुए थे वो मुझे पता है सर, और मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस चीज़ को, मैं डिनाई नहीं करता अपनी हिस्ट्री को, कोई हम दूध के धुले हुए लोग नहीं हैं, लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो यूथ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़रूर जो है ना आज सवाल करते हैं अपने इदारों से कि अगर हम सही हो जाते तो शायद मुल्क भी ना टूटता और आज जो पाकिस्तान के हालात हैं वो भी ना होते। लेकिन वही बात है ना कि ऊपर जो लोग हम पे बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझते। बहरहाल आपका गुस्सा जायज़ था, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना कि चारों भाई एक जैसे भी नहीं होते, एक घर के
सबकी मेंटेलिटी अलग होती है, पांचों हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती, तो सर सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बड़ा अच्छा लगा मैं ये देख के, इसी बहाने इंटरेक्शन हो जाती है भाई अपने भाइयों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइस।